वेलकम बैक टू नॉलेज जब ट्वेंटी में आप सभी का स्वागत है आज मैं आप लोगों को इंडियन रेलवे के कटऑफ़ के बारे में बतलाने वाला हूं रेलवे आरआरसी ग्रुप डी कट ऑफ मार्च 2022 हज़ार तेईस में कितना जाएगा ये सारी डिटेल्स मैं आप लोगों को बतलाने वाला हूं ये जो है कि आप लोगों को कौन से जोन में कितना नंबर कट ऑफ जाएगा ये सारी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में दिया जाएगा पूरी वीडियो में आप लोग बने रहिए ताकि आप लोगों को पूरी जानकारी पता चल सके कि इसमें कौन सा जोन में कितना कट ऑफ जाएगा चलिए मैं आप लोगों को फर्स्ट जोन जो है इलाहाबाद के बारे में बतला देता हूँ इलाहाबाद में टोटल वैकेंसी के बात करें तो सैतालीस सौ तीस पोस्ट पर आप लोगों को वैकेंसी निकाली गई है इसमें एप्लीकेशन टोटल कितना गया है नौ लाख ग्यारह हज़ार बरासी आप लोगों को एप्लीकेशन अप्लाई हुआ है इसमें मैं आप लोगों को कट ऑफ़ के बारे बतला दूं तो जनरल के इसमें कट ऑफ़ कम से कम इकहत्तर जाएगा और ई के एस तिरसठ जाएगा ओ बी का पैंसठ और एस का बामन एस का पचास कैलमसन इसमें एक दो नंबर आगे या पीछे हो सकता है इससे ज़्यादा आप लोगों को कट ऑफ नहीं जाएगा न्यू दिल्ली की बात करें तो न्यू दिल्ली में तेरह हज़ार एक सौ तिरपन पद निकाली गई है जिसमें वैकेंसी में टोटल अप्लाई फॉर्म गया है उन्नीस लाख तीन हज़ार सात सौ सा। उनतीस फॉर्म गया है जिसमें मैं आप लोगों को जनरल के बात करें तो जनरल किस में सत्तर नंबर तक जाएगा कट ऑफ ई डब्ल्यू एस के बासठ ओ बी सी का छियासठ जाएगा एस सी का उन... उनसठ नंबर तक जाएगा और एस टी का पचपन नंबर तक जाएगा इससे ज़्यादा आप लोगों को नहीं जाएगा एक नंबर आगे या पीछे हो सकता है उसी तरह बात करें गोरखपुर का तो गोरखपुर में आप लोगों को चार हज़ार दो पद दिया गया हुआ है जिसमें फॉर्म के बात करें तो छः लाख बीस हज़ार आठ सौ पच्चीस फॉर्म गिरा है इसमें भी जनरल का सत्तर नंबर तक जाएगा चौंसठ नंबर ई का पैंसठ नंबर ओ का एस का सत्तावन नंबर एस का तिरपन नंबर तक इसमें कट ऑफ जा सकता है गोपालपुर के बात करें तो गोपालपुर में आप लोगों को देखिए चार हज़ार उन्नीस पद दिया हुआ। के के तो गया हुआ है इसमें आप लोगों को अप्लीकेशन के बात करें तो पाँच लाख अट्ठाईस हज़ार पाँच सौ नवासी फॉर्म गया हुआ है इसमें आप लोगों को जनरल के बात करें तो बहत्तर नंबर जनरल के जाएगा कट ऑफ चौंसठ नंबर ई का अड़सठ नंबर ओ का इकसठ नंबर एस का सन्तावन नंबर एस का जाएगा मुंबई के बात करें तो मुंबई में फर्स्ट जोन में दस हजार सात सौ चौंतीस पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई है जिसमें फॉर्म गिरा है नौ लाख नब्बे हजार चार सौ सत्तर गिरा हुआ है पिछले बार के बात करें तो लगभग तिहत्तर ती तिरसठ नंबर तिहत्तर नंबर कट ऑफ गया था पर इस बार पैंसठ से ज़्यादा नहीं जाएगा जनरल को पैंसठ होनी चाहिए ई डब्ल्यू एस को अंठावन एस सी ओ बी सी का इकसठ और एस सी का छप्पन एस टी का चौवन इसमें एक दो नंबर आगे पीछे हो सकता है बट इतना से ज़्यादा नहीं जाएगा मुंबई नंबर दो जोन में नौ नौ हज़ार तीन सौ पैंतालीस पद पे वैकेंसी निकाली गई है इसमें छियासठ नंबर तक आप लोगों को जेनरल को कट ऑफ जाएगा छप्पन नंबर तक ई का ओ का बासठ नंबर तक एस का सत्तावन नंबर तक और एस का इक्यावन नंबर तक इसमें जा सकता है कट ऑफ मार्क्स इसमें नौ लाख सात हज़ार तीन सौ नब्बे फॉर्म गिरा हुआ है कोलकाता के बात करें तो कोलकाता फर्स्ट जोन में चार हज़ार नौ सौ चौदह पद पे वैकेंसी निकाली गई है जिसमें आप लोगों को कट ऑफ के बात करें इसमें कम फॉर्म है इसी कारण पचहत्तर नंबर तक कट ऑफ जा सकता है जनरल का ई का तिरसठ नंबर अड़सठ नंबर ओ का इकसठ नंबर एस का और एस का सन्तावन नंबर तक इसमें आप टोटल फॉर्म के बात करें तो चार लाख चौरानवे हज़ार दो सौ सतहत्तर फॉर्म जो अप्लाई हुआ है कोलकाता टू में देखिए दस हज़ार आठ सौ तिहत्तर पदों पर एक वैकेंसी निकाली गई इसमें कट ऑफ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को सत्तर नंबर तक जाएगी और ई का अंठावन नंबर ओ का तिरसठ एस का साठ और एस का छप्पन नंबर इसमें फॉर्म ग्यारह लाख चौंसठ हज़ार छः सौ बयासी फॉर्म गिरा हुआ है इसमें कटअप थोड़ा कम जाएगी फॉर्म ज़्यादा गिरा हुआ है और आप लोगों को इस बात इस बार जो है नॉर्मलाइजेशन नहीं है और इस बार तो आप लोगों को परसेंटेजाइज करवाया जाएगा इसमें आप लोगों को चार से पाँच नंबर बढ़ेगा इससे ज़्यादा किसी को भी नहीं बढ़ेगा पिछले बार की तरह नहीं है कि पंद्रह नंबर सोलह नंबर बढ़ गया बीस नंबर बढ़ गया इस बार कितना भी हार्ड क्यों न पेपर हो तीन से लेके कर पाँच नंबर से ज़्यादा किसी को भी नहीं बढ़ने वाला है हुबली की बात करें तो हुबली में देखिए सात हज़ार एक सौ सरसठ पोस्ट दिया गया हुआ इसमें जनरल का साठ नंबर तक जा सकता है ई को इक्यावन ओ का पचपन उनचास नंबर तक एस का एस का पैंतालीस छः लाख सत्तर हज़ार दो सौ तिरासी फॉर्म इसमें गिरा हुआ है उसी तरह चेन्नई के बात करें तो चेन्नई में आप लोगों को नौ हज़ार पाँच सौ नवासी सॉरी उनासी पद दिया गया हुआ है इसमें अड़सठ नंबर तक आप लोगों को कट जाएगा जनरल का छप्पन नंबर तक ई का बासठ नंबर तक ओ का एस का अंठावन और एस का बावन तक नौ लाख दो सौ फॉर्म जो है भराया है सिकंदराबाद की बात करें तो सिकंदराबाद में नौ हज़ार तीन सौ अट्ठाईस पद पे फॉर्म अप्लाई करना था उसमें जनरल का सरसठ नंबर तक जा सकता है कट ऑफ सन्तावन नंबर तक ई का इकसठ नंबर तक ओ का एस का सतावन नंबर तक जाएगा चौवन नंबर एस का जाएगा इसमें नौ लाख अड़तालीस हजार चार सौ फॉर्म भराया है गुवाहाटी के बात करें तो अट्ठाईस सौ चौ चो, चौरानवे पद पर वैकेंसी निकाली गई थी इसमें तिहत्तर नंबर तक जनरल का कटऑफ जा सकता है। ईडब्ल्यूएस का चौंसठ नंबर ओ का पैंसठ नंबर चौंसठ नंबर एस का भी जा सकता है एस का साठ नंबर तीन लाख बावन हज़ार आठ सौ चौदह फॉर्म जो है भराया है हाजीपुर का बात करें तो तीन हजार पाँच सौ तिरसठ पद पे वैकेंसी निकाली गई है तिहत्तर नंबर तक जनरल का जा सकता है इकसठ नंबर तक ई का सरसठ नंबर तक ओ का नंबर तक एससी का एसटी का सन्तावन नंबर तक जा सकता है फॉर्म जो है पांच लाख तिहत्तर हजार तीन सौ चालीस फॉर्म भराया गया हुआ है भुवनेश्वर का पच्चीस सौ पचपन पद दिया गया है, जिसमें जनरल का सत्तर ई का अंठावन नंबर तक जा सकता है ओ का पैंसठ नंबर तक सतावन नंबर एस का पचपन नंबर एसटी का सॉरी तीन, तीन लाख अठारह हजार तिरपन फॉर्म जो है भराया है आप लोगों को नॉर्मलाइज नहीं किया जाएगा इस बार आप लोगों को परसेंटेज किया जाएगा उसमें आप लोग फिक्र रहिए आप लोगों को ज़्यादा या कम नंबर भी है तो टेंशन मत लीजिए क्योंकि इसमें एक से ले कर पाँच से ज़्यादा नंबर नहीं देने वाला है रेलवे बोर्ड इस बार सभी का क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं बनाया गया था क्वेश्चन सभी का इजीली था थोड़ा बहुत जिन्हें का हार्ड था उन्हीं लोगों को पाँच नंबर तक बढ़ोतरी किया जाएगा और इस बार जो रिजल्ट है आप लोगों को एक से दो हफ्ता के अंदर में रिजल्ट आ जाएगा ग्रुप डी का आरआरसी ग्रुप डी कट ऑफ मार्क्स दो हज़ार बाईस तेईस का जॉब अप टू डेट्स के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिस जॉब ट्वेंटी और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जॉब से रिलेटिव कोई भी जानकारी आप लोगों को सबसे पहले मिलता रहे इस वीडियो में इतना ही धन्यवाद